रायबरेली से है, जहां एक डीसीएम बनारस से पंजाब स्क्रैप लेकर जा रहा था। शॉर्ट सर्किट से डीसीएम से आग लगने से पूरी गाड़ी व स्क्रैप जलकर राख हो गई। आनन फानन में दमकल कर्मियों को सूचना दी गई, लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर राख हो गया था। आग लगने से गाड़ी में 8 से 10 लाख का माल जल चुका था। घटना देर रात लगभग 3 बजे बछड़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बछड़वा मोरावा राजमार्ग की बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं जी? कैसे, क्या हुआ हादसा, ये कितने बजे हुआ? 2:30 से 3 बजे के बीच में हुआ था। क्या हुआ था, कैसे अचानक क्या हुआ? गाड़ी चला रहे थे और बैटरी के साइड से चिंगारियाँ निकली, जिससे आग लग गई। आग लगी तो गाड़ी रोकी, बुझाने लगे, बुझी नहीं, त्रिपाल में पकड़ लिया। त्रिपाल में पकड़ने से फिर बुझाते रहे, बुझी नहीं। फिर ड्राइवर लोग भी दौड़ के आए, सब लोग पानी आने डाले, फिर भी नहीं। फिर 112 नंबर फ़ोन किए, पुलिस आई। पुलिस के बाद फिर उसके बाद वो फायर ब्रिगेड मशीन आई, उससे भी बुझी गाड़ी, उससे पूरी गाड़ी बुझ पाई। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग नुकसान हुआ होगा करीबन 8-10 लाख का। गाड़ी में कुछ बचा क्या, मतलब गाड़ी का इंजन या पार्ट? कुछ नहीं बचा, गाड़ी तो बिल्कुल खत्म है। क्या लगा था इसमें? स्क्रैप। कहाँ जा रहे थे आप? पंजाब। कहाँ से उठाए थे उसको? बनारस से। ये हादसा किस जगह हुआ? ये बछरावा से 1 किलोमीटर आगे करीब।